सानिया मिर्जा। दोस्तों, इस नाम से आप सभी भलीभांति परिचित होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सानिया मिर्जा ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की? आप यह सोच सकते हैं कि जिस पाकिस्तान से हमारा देश क्रिकेट खेलने से लेकर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का लेन देन तक नहीं करता, उस देश से किसी भारतीय का वैवाहिक संबंध बनाना वास्तव में हैरान करने वाली बात जरूर है। दोस्तों, हमारे देश में इस्लाम धर्म से बिलोंग करने वाले बहुत सारे क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनसे यह अपनी शादी कर सकती थी, लेकिन सानिया मिर्जा ने आखिर क्यों एक ऐसे शख्स से शादी की जो कि एक पाकिस्तानी है? आपको बता दें, सानिया मिर्जा ने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्होंने शोएब मलिक से विवाह भारत पाक के रिश्ते को मजबूत करने के लिए नहीं किया। तो आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों, यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शोएब मलिक से शादी करने से पहले सानिया मिर्जा की सगाई साल 2009 में उनके बचपन के दोस्त सोहराब मिर्जा के साथ हुई थी, लेकिन कुछ वजहों से यह सगाई टूट गई और कुछ महीनों बाद ही यह खबर सामने आई कि सानिया मिर्जा एक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर रहे हैं। यह खबर सभी न्यूज चैनल की हेडलाइंस बननी शुरू हो गई और यह खबर और ज़्यादा मसालेदार तब हो गई जब सभी को पता चला कि शोएब मलिक पहले से ही शादीशुदा है और इनका विवाह साल 2000 में आयशा सिद्दीकी नाम के एक महिला से हुआ था। लेकिन सानिया मिर्जा से शादी करने से पहले शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी को तलाक दे दिया था। जब मीडिया वालों ने सानिया मिर्जा से पूछा कि आप एक ऐसे शख्स से शादी क्यों कर रही हैं जो पहले से ही शादीशुदा है और हिंदुस्तान में लड़कों की कोई कमी भी नहीं है, तो सानिया ने जवाब दिया कि शोएब मलिक ने जिस तरह से उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था वो तरीका बेहद ही शानदार था और वो फिर शोएब मलिक को इनकार नहीं कर सकी। कुछ महीनों तक एक दूसरे से मुलाकात करने के बाद शोएब मलिक ने मुझे सीधे कह दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। शोएब ने कहा कि मैं भारत आकर तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो मुझे बता देना। मुझे शोएब मलिक के बात में काफी सच्चाई नजर आई, मुझे लगा उसमें कोई दिखावा नहीं था, वो उनकी सच्ची भावना थी जिसे उन्होंने महसूस किया और मुझसे इजहार कर दिया। शोएब की यही बात मुझे बेहद पसंद आई क्योंकि वो दिखावा नहीं करते, उन्होंने घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज नहीं किया, वो उसका स्टाइल नहीं था। शोएब बहुत सरल इंसान है। आप इनकी बातों को सुनकर समझ गए होंगे कि केवल साधारण तरीके से प्रपोज करने के कारण ही सानिया मिर्जा ने 10 अप्रैल 2010 को शोएब मलिक से शादी कर ली थी और उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जिस देश से हमारे देश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं उस देश से अपना रिश्ता बनाने के बाद भारत के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि कई भोजपुरी सिंगर्स ने अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गानों का प्रयोग किया और जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, अब सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी को 10 साल बीत चुके हैं और इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम इजहान है। और जब सानिया मिर्जा से पूछा गया कि उनका बेटा किस देश का नागरिक बनेगा तो उन्होंने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तानी समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस आशय की खबर दी। उन्होंने शोएब मलिक के हवाले से कहा कि संभव है कि शोएब मलिक का बेटा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करे। दोस्तों, सानिया मिर्जा के बारे में आपका क्या विचार है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।